दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो का इंटरव्यू इस समय ख़त्म हो चुका है और जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, और जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए प्रश्नों को हम कई बार डाल चुके हैं। आगे भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों के इंटरव्यू नहीं हुए हैं वो वीडियो को देखते रहें, उन्हें क्वेश्चन से बहुत ही मदद मिलेगी क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ की। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, टाइपिंग हो चुकी है और इंटरव्यू चल रहे हैं, जिनके कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जिन इस फिगर को आप देख रहे हैं मुझे लिखा हुआ है, तो जनरल ओबीसी एससी में आपको देखना है। रिटेन एग्ज़ाम में अगर किसी बच्चे ने जनरल में 25 नंबर पाया है या 25 से ऊपर, ओबीसी में 24 या 24 से ऊपर, एससी एसटी में 23 या 23 से ऊपर, इतने नंबर हैं तो वो रिटर्न में तो पास हैं ही। फिर डॉक्यूमेंटेशन में मैक्सिमम 30 नंबर मिलने हैं, तो किसी का ग्रेजुएशन होगा किसी का नहीं होगा, एक एवरेज 25 नंबर का आएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमने मान लिया कि सबको 25 नंबर ही प्राप्त होने हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया जो जाएगा 25 का। इंटरव्यू में जनरल को 16 नंबर मिलते हैं, ओबीसी को 15 मिलते हैं, एससी को 14 मिलते हैं, तो इस तरह से हमारा कट ऑफ जो आएगा वो जनरल का 66 नंबर आएगा, ओबीसी का 64 आएगा और एससी का 62 नंबर आएगा। अगर किसी बच्चे का इतना मिनिमम बनता है, अब देख लें 66 से एक दो नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, 64 से ओबीसी का एक नंबर दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर आप इसके रेंज में हैं तो कट ऑफ के आसपास हैं, मतलब आपका सिलेक्शन 99% श्योर है। आगे 10 जुलाई 11 जुलाई को पूछे गए प्रश्नों को हम दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को रीड करें, तैयारी करें।